ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ओवरऑल न्यूट्रिशन टू टाइप्स का है, ऑटोट्रॉफिक जिसमें अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स है, और हीटरोट्रॉफिक, तो न्यूट्रिशन जो एनिमल्स में है वो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जिसके फर्दर थ्री टाइप्स हैं। पहला है सेप्रोट्रॉफिक, दूसरा है पैरासिटिक, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मींस ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव करते हैं। दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड और डिकेइंग मैटर है यानी कि जो गला सड़ा है, जो मर गए हैं, उनसे अपना फूड डिराइव करते हैं सेप्रोट्रोफ्स, और इस टाइप का न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन करता है ऐसा, जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में कैसा है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। या जैसे फंगस है, फंजाई, इनमें भी कैसा है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। दूसरा है पैरासिटिक, तो पैरासिटिक क्या है, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की वो टाइप है जिसमें किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव करते हैं, यानी कि पैरासाइट्स वो हैं जो दूसरे लिविंग बींग से। अब ये लिविंग बींग्स कैसे हों, दो ही तरह के होते हैं, या तो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। तो जो दूसरे लिविंग बींग से अपना फूड डिराइव करेंगे उनको कहेंगे पैरासाइट, डिराइव फूड फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स, जो दूसरे लिविंग बींग से डिराइव करेंगे। जैसे प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कसकुटा, अमरबेल जिसको कहते हैं, तो देखा होगा आपने बहुत से पेड़ों पर ये फैल जाती है, तो अपना सारा न्यूट्रिशन वहीं से डिराइव करती है, तो ये पैरासाइट है। इसी तरह टिक्स हैं, लीस हैं, जो जुएं वगैरह हो जाती हैं सिर में, वो हैं, प्लाज्मोडियम है, ये सारे एग्जांपल हैं पैरासाइट्स के, जो दूसरे लिविंग बींग से अपना फूड डिराइव करते हैं। और तीसरा है होलोजोइक, ये आपके काम का है क्योंकि ह्यूमन बींग्स में यही होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, सॉलिड फूड लिया जाता है, सॉलिड फूड इज टेकन, यानी कि सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड लिया जाता है, उसको फिर तोड़ा जाता है, अपने जो बॉडी का मैकेनिज्म है, जो पार्ट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपल बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और यही न्यूट्रिशन ज़्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि एनिमल्स में होलोजोइक होता है, पहले अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले फूड हैबिट्स के बेस पर कितने टाइप के हो सकते हैं एनिमल्स, ये आप बहुत प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ कर आए हैं, आपको फिर से याद दिला देता हूँ कौन कौन से हैं। फूड हैबिट्स के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स फोर टाइप के हैं। पहला टाइप कौन सा है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से हैं, विच आर प्लांट ईटिंग, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, शाकाहारी जो होते हैं वो हैं हर्बीवोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे गोट है, हर्बीवोर्स होता है, एलिफेंट है, एट्सेट्रा बहुत सारे हैं, डियर है। दूसरा कार्निवोर्स, कार्निवोर्स मीन्स फ्लैश ईटिंग, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लोयन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, ये हैं कार्निवोर्स। थर्ड है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से हैं? जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और मीट भी खा लेते हैं, वो क्या है? ओमनीवोर्स, यानी प्लांट्स भी खा लेंगे और मीट भी खा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैट है, डोमेस्टिक कैट, या फिर डॉग है, या फिर जैसे कि पिग है। अब देखो, दया करो आदमियों के ऊपर, यानी कि आदमियों की कैटेगरी भी कहाँ जाके मिली है। इसी का एग्जाम्पल मैन भी है। मैन भी क्या होते हैं? ओमनीवोर्स होते हैं। और फोर्थ होते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स को डेट्रिटिवोर्स भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है डेट्रिटिवोर्स। और ये क्या है? ये है जो दूसरे एनिमल्स जब मर जाते हैं उसके बाद उनको खाते हैं, उनको कहते हैं स्कैवेंजर्स। जैसे वल्चर्स, जो गिद्ध वगैरह होती हैं, काइट, हाइना, ये क्या है? फूड हैबिट्स के बेस के ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, कि वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, या फिर स्कैवेंजर्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, वो कितने स्टेप्स में होता है और कैसे होता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सॉलिड फूड लिया जाएगा और सॉलिड फूड फिर उसका ब्रेक डाउन होगा, तो इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। ये 5 स्टेप्स में पूरा होता है। देखते हैं वो 5 स्टेप्स कौन से हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के। बिल्कुल आसान सी बात है, 5 स्टेप हैं इसके, बहुत सरल आसान हैं। कौन कौन से हैं? अब हम पढ़ रहे हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है और मोस्ट ऑफ एनिमल्स में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इंजेशन। 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यानी कि पहले भोजन को, फूड को अंदर लेते हैं, ये इंजेशन है। फिर उसका पाचन होता है, डाइजेशन। फिर वो ब्लड में मिल जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन। फिर उसको यूज किया जाता है, उसे एनर्जी ली जाती है, यानी कि एसिमिलेशन। और फिर जो वेस्ट है वो बाहर चला जाता है, जो है इजेशन। तो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा अपना ये होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट स्टेप इसमें होता है, पहला जो स्टेप है ये है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि फूड बाहर से अंदर लेना। इन का मतलब ये होता है अंदर, जस्ट का मतलब लेना, अंदर लेना, यानी कि टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब फूड को अंदर लिया जाता है, टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी। इसको हम कहेंगे इंजेशन। अब ये जो भोजन अंदर लिया जाएगा, ये कैसे लिया जाएगा? तो इसके लिए क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उसके लिए माउथ है, मुंह से हम खाना अंदर लेते हैं। तो इसी तरह अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हो सकते हैं। जैसे अमीबा है तो अमीबा में माउथ नहीं होता तो वहाँ फॉल्स फीट बन जाते हैं, जिनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। अब इसके बाद इसकी बात करेंगे। जैसे ये है जिससे वो खाना क्या करता है, अंदर लेता है। तो इसके लिए, इंजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। जैसे ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें माउथ होता है, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जहाँ से फूड इंजेस्ट किया जाता है। अमीबा है, जैसे अमीबा में क्या है,
टेम्परेरी फीट बन जाता है या टेम्परेरी माउथ कह सकते हो, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर ही फॉल्स, शूडो मीन्स फॉल, फॉल्स झूठे, और पोडिया मीन्स फीट, पैर टाइप ही मूवमेंट भी इनसे करता है और ये ऐसे बना लेता है फॉल्स फीट जिनको बोलते हैं। तो अमीबा में क्या होता है, सूडोपोडिया, इसके द्वारा वो इंजेक्शन करेगा। अब जैसे हाइड्रा है, तो हाइड्रा में क्या होता है, माउथ के राउंड हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं टेंटेकल्स, तो वो हेल्प करते हैं इंजेक्शन में, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये, सूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर्स अराउंड माउथ जिनको कहा जाता है टेंटेकल्स, ये हेल्प करते हैं इंजेक्शन में। तो ये पहला स्टेप होता है इंजेक्शन का, जिसमें क्या होता है फूड को अंदर लिया जाता है और फिर आगे इसका फिर होगा डाइजेशन। तो अलग अलग इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हो सकते हैं। अब देखो, जो फूड अंदर लेते हैं तो दो टाइप का फूड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड ये जो भी ले, तो जो सेल की ईटिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे, तो सेल की ईटिंग को एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, और सेल ड्रिंकिंग को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये भी कहीं आपसे पूछ लें तो याद रखना आपने, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, सेल ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग। दूसरा जो स्टेप है, हम क्या पढ़ रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स। दूसरा स्टेप है डाइजेशन। अब यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, वो जिसका जब जिक्र आएगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का जिक्र है तो वहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे इनकी कि कैसे होता है। यहाँ पे केवल इनका मतलब समझ रहे हैं कि क्या होता है। डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड लिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, वो उसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको तोड़ना पड़ता है, सिंपल बनाना पड़ता है, ताकि वो सेल्स के लायक हो जाएं, जो भी फ्लूड शरीर के अंदर है जैसे ब्लड है उसके अंदर वो डिजोल्व हो सके। तो ये जो ब्रेकिंग है कि जो कॉम्प्लेक्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, इसी को कहा जाता है डाइजेशन। जैसे ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स में 2 पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, एक है एलिमेंट्री कनाल और दूसरे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें वो मदद लेता है जी तोड़ने के लिए, कि जो स्टोमक है इसमें सेल्स हैं, वो सेल्स उसको तोड़ती हैं, और फिर वो एंजाइम्स की, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की और हार्मोन्स की मदद लेते हैं, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी फ्लूड्स के अंदर, जैसे कि ब्लड के अंदर। तो इसका मतलब है डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, अवशोषित किया जाता है, वो इज एब्जॉर्ब इन फ्लूड्स लाइक ब्लड, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा जब उस, क्योंकि डाइजेशन के बाद उसके बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं तो ब्लड में डिजोल्व हो सकते हैं, तो ब्लड में जाके मिल जाते हैं, ताकि फिर उनसे आगे काम लिया जा सके। और आगे क्या काम लेना है, यही 4th स्टेप है, एसिमिलेशन। जैसे ह्यूमन बींग्स में एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर होता है इंटेस्टाइन के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो एसिमिलेशन क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। जब एब्जॉर्प्शन हो चुका है फूड का, तो उसको यूटिलाइज भी तो करना पड़ेगा, उससे एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो वो स्टेप क्या कहलाता है, एसिमिलेशन।
यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, या हम कह सकते हैं जो फूड से एनर्जी हमने लेनी है, सेल्स ने, जो सेल्स एनर्जी लेती हैं वही स्टेप है ये, डिराइव एनर्जी। फूड से जो एनर्जी डिराइव की जाएगी यही स्टेप है एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप होता है इजेशन। इजेशन मींस रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। फूड सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वेस्ट होता है, उसको बॉडी से बाहर करना होता है। तो ये जो स्टेप है लास्ट स्टेप जिसमें रिमूवल होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, दैट इज कॉल्ड इजेशन। यानी कि हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इसको हम कहेंगे इजेशन। तो ये फाइव स्टेप्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है अमीबा के अंदर हमने देखना है न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ये स्टेप हैं सेम, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, केवल हमने इसमें जो दूसरे जिक्र किए जैसे 2, 3, 4, 5 इन स्टेप्स में कहीं मैंने ह्यूमन बींग्स नहीं लिखा है। इट मीन्स अमीबा में ये स्टेप एज इट इज आप लिख देंगे अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो। पहला जो है, क्योंकि इसमें हमने हाइड्रा ह्यूमन बींग्स का जिक्र कर लिया है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर से कुछ एक दो बातें हटा देते हैं तो फिर ये हो जाएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसका डायग्राम आप वहां देख रहे हैं शुरू से ही। तो पहला स्टेप मैं चेंज कर रहा हूं केवल, आगे बाकी एज इट इज हैं, कोई चेंज उनमें नहीं आएगा। यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल होती है इसमें। यूनिसेलुलर का मतलब यही है, इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल होती है, उस एक ही सेल को सारे काम करने होते हैं। यही कारण है कि इसमें एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, इंजेशन भी उसी को करना है, डाइजेशन भी उसी को करना है, फिर आगे एक्सक्रीशन भी उसी को करना है। तो ये सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है ज़्यादातर, जो समुद्र के किनारे और वहाँ ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो सिंगल सेल है। दूसरा न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इसमें होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक का मतलब सॉलिड फूड लिया जाएगा, कम्प्लेक्स सॉलिड फूड है, फिर उसको तोड़ा जाता है और आगे फिर उसका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन जो भी है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन उसका होता है। इसके बाद ये क्या क्या खा सकता है, हर्बीवोर्स है या क्या है, तो अमीबा होता है ओमनीवोर्स, यानी कि कुछ भी खा सकता है, प्लांट्स भी खा सकता है, मीट भी खा सकता है, ओमनीवोर्स की कैटेगरी में। और न्यूट्रिशन का फिर पहला स्टेप, बाकी तो सेम ये है ही, पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन यानी कि टेकिंग द फूड इन, ये हम लिख चुके हैं पहले ही, टेकिंग द फूड इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर जो फूड लिया जाता है वही क्या है, इंजेशन है। ये डायग्राम आप देखें, ये जो बनाया हुआ है आप इसको कैसा भी बना सकते हैं, ये कोई विशेष शेप नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है। इसके अंदर ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और बाहर जैसे ये क्या है, ये फूड पार्टिकल है। तो जैसे ही अमीबा को फूड पार्टिकल दिखाई देगा, उसके सामने आएगा, तो क्या करता है, अपनी बॉडी में से कुछ टेम्परेरी माउथ, आप इसको कह सकते हैं, उसकी तरह स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो ये स्ट्रक्चर डेवलप किए इसने और फूड पार्टिकल को इसके अंदर ले लेता है। फिर क्या करेगा, इसके चारों तरफ ये एक वैक्यूल बना लेता है, एक वैक्यूल बना लेगा जिसको क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल। और इसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन और वही चीज़ें हैं। तो इसमें जैसे माउथ होता है ह्यूमन बींग्स में, ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है अमीबा में, ये सूडोपोडिया इस सरफेस पे कहीं पे भी बन सकते हैं, नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन
लाइक माउथ। इसीलिए ये क्या करता है, फ्रॉम बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से इट डेवलप्स, ये डेवलप कर लेता है सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स यानी के झूठे, और पोडिया मीन्स पैर यानी के फीट। तो फॉल्स फीट ये डेवलप करता है। इसको इसका टेम्परेरी माउथ भी कह सकते हैं, ये इसके लिए टेम्परेरी माउथ है जहाँ से ये फूड अंदर लेता है। फूड पार्टिकल बाहर दिखाई दिया, अमीबा ने क्या किया, सूडोपोडिया डेवलप कर लिए, उसको अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद क्या करेगा, उसके चारों तरफ सराउंडिंग में ये फूड वैक्यूल बना लेता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल अराउंड फूड पार्टिकल। तो ये है पहला स्टेप इसका इंजेशन का। इसके बाद दूसरा डाइजेशन, वही है यानी कि फूड वैक्यूल बन गई। अब क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इसके अंदर हैं उनकी मदद से क्या करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको तोड़ के सिंपल में बना लेता है, सिंपल बना लेगा। एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, जो बॉडी फ्लूड इसके अंदर है उसमें फिर क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड पार्टिकल यहाँ आया था ये डाइजेस्ट हो जाएगा, उसको फिर उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एसिमिलेशन में क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, उसे एनर्जी डिराइव करके ये अपना काम करता है। कौन सा काम, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, तो वो करेगा जो भी एनर्जी इसको चाहिएगी। और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड जो बचेगा उसको फिर से रिमूव कर दिया जाएगा इसकी बॉडी के थ्रू, जिसको हम कहेंगे इजेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन।